गुड मॉर्निंग वॉक्स फ्रूट्स, गुड मॉर्निंग। हाँ चलो थोड़ा जल्दी फास्ट, क्या बात है बच्चे कम दिख रहे हैं ऑनलाइन में। जल्दी फास्ट श्योर, फिर स्टार्ट लेक्चर ना। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट लेक्चर। आई थिंक कल के क्वेश्चन स्टूडेंट ने सॉल्व करके व्हाट्सएप पे डाले वाला है, वो सबका अभिनंदन। सगड़ से क्वेश्चन चेक के रॉबस, सगड़ से क्वेश्चन बरोबर है। कल जेवड़े क्वेश्चन आए तो कल जितने क्वेश्चन बोले थे उसमें से हर एक आंसर आए, वेरी गुड, दैट्स अ गुड थिंग। तो अब अगर से वो क्वेश्चन हो गए होंगे तो फिर हम आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं, अपनी कोई दिक्कत नहीं, तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आई थिंक अब दो से चार क्वेश्चन जो बाकी है उसको अपन कम्प्लीट करेंगे, तो उसके पहले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाएंगे। वेरी गुड सर, बरेश मुला ने व्हाट्सएप पर पाठ लिया, कल से क्वेश्चन दोबारा सांगित होता बरेश मुला ने केले है त्यांचे व्यवस्थित आलेले आहेत, त्या सगळ्यांचं अभिनंदन। मग त्यानंतर आपण आता पुढच्या क्वेश्चन कडे जाऊ। सो व्हाट आर दिस क्वेश्चन, सी एन नाउ क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करू इथं। म्हणलं क्वेश्चन नंबर 17 समथिंग लाइक टू बी 17 क्वेश्चन मध्ये काय होगा, 17 क्वेश्चन मध्ये आहे तुम्हाला काय विचारले त्यामध्ये लक्षात घ्या। क्वेश्चन नंबर 17 मध्ये विचारलेला आहे की जर इफ ए इज इक्वल टू व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे -1 + √3i/2, देन आफ्टरवर्ड बी ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू -1 √3i/2, बी की वैल्यू दी वाली पावर शो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन में दिया है शो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ऐसे ही क्वेश्चन में तुमको आ जाएगा, बट अपन करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो वैसे सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू आना चाहिए और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो ए कितनी वैल्यू आना चाहिए। So, see here now what we have done here. Very simple one. देखो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे a square निकालेंगे। a square मतलब -1 + √3i/2 bracket का whole square. तो ये हो गया bracket whole square करने से सबसे पहले इसकी तरह से solve करेंगे इसका तो, है ना? तो -1 का ये हो गया, सबसे पहले ऐसा हो गया -1 + √3i स्क्वायर डिवाइड बाय दोनों का स्क्वायर बांट दीजिए 2 का स्क्वायर जितना 4,
ब्रैकेट होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर दोनों को है, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। अब तुम न्यूमरेटर में देखेंगे तो ये a प्लस बी है ना, a मतलब माइनस पर है, अब बी मतलब उठ गया, a प्लस बी का स्क्वायर है, मतलब ये एक्चुअल क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना, a मींस माइनस 1 एंड b मींस रूट 3 आए, तो एक्चुअली इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसके हिसाब से लेंगे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर रूट 3 i का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एज इट इज। नाउ आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी गॉट हियर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 रूट 3 i आ गया, रूट 3 i का स्क्वायर, सबसे पहले रूट 3 का स्क्वायर कितना आ गया 3, और ये i का स्क्वायर ठीक है डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 4, सो व्हाट वी गॉट हियर सीएलओ, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया माइनस 1 माइनस 2 रूट 3 i, 1 माइनस 2 रूट 3 i प्लस, अब देखो यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस 1, तो i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 इंटू 3, सॉरी एक काम करेंगे थोड़ा जगह नहीं मेरे को दोनों एक जगह बताने का है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b, ये दिखता है क्या, नहीं दिख रहा ठीक है, डन यही पहले करेंगे इसको, ये आ गया 1 माइनस 2 रूट 3 i प्लस 3 i दैट इज, और i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 डिवाइड बाय कितना 4, सॉल्व करने के बाद कितना आ गया देखो 1 माइनस 2 रूट 3 i प्लस माइनस माइनस रूट 3 अपॉन 4, और तुम इसमें से देखेंगे तो रियल पार्ट 1 है, रियल पार्ट माइनस 3 है, एक में से माइनस 3 गया तो माइनस 2 माइनस 2 रूट 3 i बाय 4, इसमें से माइनस 2 अगर से मैंने कॉमन निकाला यहाँ से माइनस 2 और माइनस 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा 1 ठीक है 1, और यहाँ पे क्या बचा माइनस 2 तो कॉमन निकल गया कितना मिला रूट 3 आया बाय कितना 4, अपने कितना दिखाने का ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस 1 माइनस रूट 3 आया, हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, नहीं 2 कॉमन निकालेंगे, खाली 2 कॉमन निकालने से ये आ जाएगा माइनस 1, ये माइनस बीच का और रूट 3 आया, 2 कॉमन निकाले खाली और डिवाइड बाय कितना 4, तो वो 2 1 का 1 2 2 का 4, तो माइनस 1 माइनस रूट 3 आया बाय कितना आ गया, और ये तुम्हारा क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज बट बी, तो आ गया हमको ये बताया गया था कि अगर से हमने ए स्क्वायर निकाले तो ये बी कितना मिलेगा, मतलब इतना मिलेगा, और दूसरी केस में क्या निकालेगा, अगर से हमने बी का स्क्वायर लिए इसका स्क्वायर लिए तो हमको क्या मिलेगा ए कितना मिलेगा, बोलो इज दैट क्लियर, आया समझ में, क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यस टेल मी नाउ, आ गया सबके सामने वेरी सिंपल वन, तो क्या तुम सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यार, जैसे यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी करके बताया तो क्या तुम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए करके बता सकते है ना, जैसा यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के तुमको क्या बताया, देखो ए स्क्वायर की निकाल के क्या है बी इतना है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बताने का है, तो कर सकते क्या क्वेश्चन ये, यस वेरी गुड कर सकते, सिंपल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है और सिंपल, चलो अब जहां तक मेरे से हो सकता है करेंगे अपन, हम यहाँ पे ऑलरेडी है मेरे पास, तो ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, अब हमको बताने का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सबसे पहले हम बी स्क्वायर लेंगे, बी मतलब है तुम्हारे पास माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाय 2 का स्क्वायर, कॉपी पेस्ट करेंगे तो खत्म, ये हो गया, अब ये फॉर्मूला खाली फॉर्मूला क्या फर्क है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला ऐसा आ गया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का 2ab, तो ab कितना है 2 इंटू माइनस 1, और b कितना है अगेन से रूट 3 आए प्लस b का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेम रूट 3 का स्क्वायर 3 i का स्क्वायर i स्क्वायर डिवाइड बाय 4, i स्क्वायर की वैल्यू अगेन माइनस 1 और ये बीच का प्लस है यहाँ, आई स्क्वायर के लिए माइनस 1 तो माइनस प्लस माइनस ठीक है, ये बीच का प्लस, एक में से 3 गया तो माइनस का 2 ठीक है, ये प्लस, यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो ये क्या मिलेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकला तो 2 यहाँ पे रहेगा माइनस 1 और यहाँ पे रहेगा प्लस रूट 3 आई बाय 2, 2 1 2 2 2 4 तो ये बन गया माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाय 2, और माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाय 2 मतलब ये वैल्यू क्या है दैट इज इक्वल टू 3, तो सिंपली कॉपी पेस्ट करा मैंने बस, बाकी कुछ भी नहीं,
आ गया दोनों भी आंसर, पहले इसमें आंसर आया ए स्क्वायर निकालने से भी आया और सेकंड में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। बोलो इज दैट क्लियर? आ गया मेरे साथ में, फिर बोर्ड पे कॉपी पेस्ट है, बाकी कुछ भी नहीं। इज दैट क्लियर? यस टेल मी नाउ। है ना, सिर्फ कॉपी पेस्ट है बाकी क्या इसमें। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? सबके समझ में आ गया शायद? किसी भी प्रॉब्लम है क्या? इज देयर एनी डिफिकल्टी इन दैट वन? किसी को पूछना है इसके बारे में? आई थिंक नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अभी तुम्हारे पास ये दो एक्सपांशन तुमको याद होना चाहिए, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है बस, इसके बाद तो सबको कैलकुलेशन आएंगे, ठीक है? चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है? तो वी प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी प्रोसीड? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस टेल मी, टेल मी फास्ट। यस ओके ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल है, आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आई थिंक सो। So next question is something actually, question number 80, if x plus iy is equal to a plus ib ka power t cube, I must show that, you want to show that here, x by a plus y by b is equal to 4 times a square minus b square. ठीक क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन 18 और इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 23, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, क्यों थोड़ा माइनर डिफरेंस है, बाकी ये दोनों क्वेश्चन सेम है। रिकॉर्ड से देखो ये क्वेश्चन तुमको आ गया समझो, तो 23 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 23 दोनों क्वेश्चन सेम है, तो 18 अच्छे से समझ के लो तो 23 तुम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये तुम्हारे होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है? दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो इससे पहले सॉल्व करने से पहले इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि हमको इसका एक्सपांशन आना चाहिए, जो तुमको फार्मूला दिया वाला है उसके हिसाब से, है ना? देखो क्या है, देखो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या दिया है इसके हिसाब से, ये एक्चुअल क्या है, ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला सबको मालूम है। बोलो क्या फॉर्मूला, ए क्यूब बी ए स्क्वायर बी बी ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, राइट है? ऐसा तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे अपन, तो देखो फॉर्मूला में रखो कंडीशन या x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी का पावर थ्री। तो लेट अस सॉल्व देम, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, ये तुम्हारे कौन सा फॉर्म में है, ये तुम्हारे ए प्लस बी की फॉर्म में, मतलब इसका एक्सपांशन ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर इंटू आई बी प्लस थ्री ए बी इंटू प्लस थ्री ए इंटू इसका स्क्वायर आई बी का स्क्वायर प्लस आई बी का पावर थ्री, ठीक है? यस रिकॉर्डिंग क्यों रुक रही, क्या बात? यस आई फॉर्म में फॉर्मूला कैसे कैसे लिया हमें, ए का क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ए स्क्वायर इंटू बी, थ्री टाइम्स ए स्क्वायर इंटू बी, और उसके बाद में क्या प्लस थ्री टाइम्स ए बी स्क्वायर बी का क्यूब। बोलो फॉर्मूला आ गया समझ में, ये फॉर्मूले के हिसाब से अपन एडजस्ट करें, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे ए मतलब क्या है, ए है, और बी मतलब क्या है, आई बी है। तो देखो अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ गया, देखो ए का क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी इंटू आई, थोड़ा इधर लिखें, अब यहाँ इसको सॉल्व करो तो कितना मिलेगा, देखो थ्री ए बी, थ्री ए बी स्क्वायर, सॉरी
ए बी स्क्वायर और ये आई स्क्वायर, ठीक है, ये कितना मिला आई क्यूब और ये कितना मिला बी क्यूब, तो ये कितना मिला तुम्हारे पास ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और आई क्यूब की वैल्यू क्या रही थी माइनस आई, है ना, मालूम ना आई क्यूब की वैल्यू भूल गए होंगे तो ऐसा निकालेगा आई स्क्वायर इंटू आई का पावर वन, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो माइनस वन इंटू आई की वॉट वैल्यू माइनस आई, तो ये आई क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस आई और ये बी क्यूब। अब तुम अगर से ये साइड में देखेंगे तो ये साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, तो ये भी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में लेकर आएंगे, छोटा कदम तो जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर ये साइड में है वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर हम ये साइड में लेकर आएंगे, ऐसा करने से क्या होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रहेंगे इक्वेट, तो दोनों को इक्वेट करके हमको इक्वेशंस मिलेगा, बराबर नजर आएगा, यस वीडियो वीडियो अटकाय करे बघा बरोबर दिसाय थोडं प्रॉब्लेम दिसला मला रेकॉर्डिंग मध्ये, यस टेल मी ना वीडियो अटकाय का, यस टेल मी अडकत आहे, यस बोला तुम्ही स्टार्ट टेल ओके ओके बघू आपण त्याला काय काय आपली चालेल का कधी अडकाय मला प्रॉडक्ट अडकत आहे ना अडकत आहे तरी अडकत आहे कसं पण झालं तर छान लेक्चर होतो एकच होतो आपण झालो बरोबर आता काय का नाही मला वाटत होता आता प्रॉपर दिसायला चांगला ठीक आहे बघा तो फिर नो इन दॅट कंडिशन हियर रियल पार्ट ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर ये रियल पार्ट है इसके आई मल्टीप्लीकेशन में इसके आई मल्टीप्लीकेशन में तो इमेजनरी पार्ट मतलब कैसा 3 a square b माइनस का कितना b cube इनटू कितना या फिर i स्टार्टिंग में ले लो कोई मतलब नहीं देखो तो रियल पार्ट एक ब्रैकेट में a cube माइनस 3 ab square एक ब्रैकेट में प्लस i टाइम्स
ये देखो इसको आई है तो थ्री ए स्क्वायर बी, यहाँ से आई कॉमन निकाले और माइनस का आई बी क्यूब, यहाँ से माइनस का बी क्यूब, दोनों में से आई कॉमन, ऐसा करने से ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, है ना। तो बाय इक्वेटिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन से राइट हियर बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल है तो उनके इक्वालिटी के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पे रियल पार्ट कितना है x, रियल पार्ट x है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया, y इज इक्वल टू 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, ठीक है ऐसा आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, रियल पार्ट x इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू इसका इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। हमको आंसर क्या मिलने का, देखो हमको आंसर आने का x by a plus y by b के फॉर्म है, यहाँ पे तो कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल एकदम जैसा अपन नॉर्मली करते हैं उसी तरीके से। यहाँ पे क्या क्या बताया, यहाँ पे सबसे पहले a plus ib का क्यूब एक्सपांशन, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे रियल पार्ट एक ब्रैकेट में i कॉमन निकाल के इमेजिनरी पार्ट एक ब्रैकेट में, ऐसा करने से दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो गए, और बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल, और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, ठीक है। चलो तो अब क्या आ गया, देखो हमको इधर ढाई से मिलाने का है, तो यहाँ पे तुम देखो जरा ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, ए कॉमन निकालो, ए कॉमन निकला तो यहाँ पे क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भी कॉमन निकलता, देखो बी कॉमन निकलता है इनमें से, बी कॉमन निकाल दो कितना, थ्री ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। कॉमन निकाले से अब ये जो ए है इसके मल्टीप्लिकेशन में इसके डिवीजन में आ जाएगा, एक्स बाय ए मिल गया तुमको, यहाँ से ये होगी एक्स बाय ए की वैल्यू, यहाँ से तुमको मिलेंगे वाई बाय बी की वैल्यू कितनी, थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए मल्टीप्लीकेशन में इसके डिवीजन में आ गया, बी इसके मल्टीप्लीकेशन में इसके डिवीजन में आ गया, अब दोनों का एडिशन करो, x by a plus y by b, तो देखो x by a plus y by b is equal to addition करने से a square minus 3b square plus 3a square minus beta square, तो ये कितना है, a square plus 3a square, क्या बात है, छोड़ रखा है इसका बात, कितना what is the problem here, नेटवर्क में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, छोड़ रखा ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर इट इज फोर ए स्क्वायर माइनस तीन बी माइनस बी मतलब माइनस का फोर बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, फोर कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर यू वांट टू शो हियर, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू दैट्स द रिजल्ट यू वांट टू, बोलो इज़ दैट क्लियर, एप्पल में एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर में से फोर कॉमन है ना, तो दोनों का एडिशन करें, x by a की वैल्यू निकाले यहाँ से और यहाँ से y by b की वैल्यू निकली, दोनों का एडिशन x by a plus y by b तो कितना मिला, a square minus 3 दोनों का एडिशन, तो यहाँ पे a square और 3 a square कितना हो गया, 4 a square और माइनस का 3 b square माइनस का b square माइनस का 4 b square, राइट है, माइनस का 4 b square, तो यहाँ से क्या कॉमन निकला, यहाँ से 4 कॉमन निकला, तो क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये रिजल्ट हमको बताने का था, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू फोर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो इज दैट क्लियर, आया सबके सॉल्व, यस टेल मी नाउ, यस वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर 18 था, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23, बोलो कर सकते क्वेश्चन नंबर 23, पुस्तक असेल तर जरा बघा क्वेश्चन नंबर 23 करता येईल का तुम्हाला जरा, yes if you have textbook then see whether you can solve question number 3 or 23 or not, yes kar sakte, yes what about the remaining students, same hai khali copy paste karne ka hai bas, ata sir ka copy paste question number 23 kar sakte kya, yes sir, sure.
आप अगर क्वेश्चन नंबर 23 कर सकते हो तो आगे जाएंगे ना, सिर्फ कॉपी पेस्ट है, दोनों में फर्क क्या कहने आई है वाले मीटर यहाँ पे दिया वाला है, फिर भी तुमको बता रहा है यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है, एक्स प्लस आई वाई का क्यूब दिया है और यहाँ पे क्या दिया वाई प्लस ई आई, बाकी सब क्वेश्चन सेम है और शो दैट में थोड़ा फिरा दिया वाई बाय एक्स प्लस वी बाय वाई सगळ्यात रोके आहे आज नेटवर्कचा काय प्रॉब्लेम आहे का नाही, नेटवर्क पण फुल नेटवर्क आहे, ब्रॉडबँड आहे आपल्याकडे, नेटवर्क मध्ये काय अडचणी फुल दाखवायला नेटवर्क सुद्धा का अडकायले तो सेम है, खाली क्या करने का यहाँ पे इसको फिरा दो खाली, ये एक्स प्लस आई वाई की जगह पे यहाँ पे वाई प्लस वी आई लो और ये तुम्हारे पास ए बी की जगह पे एक्स प्लस आई वाई का पावर 3 लो बस। अब खाली कॉपी पेस्ट करने का है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई आएगा, जहाँ पे वाई है वहाँ पे वी आएगा और यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए पे ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे वाई, बाकी सब सेम करो तुमको सेम आंसर ही आएगा वाई बाय एक्स प्लस वी बाय वाई इज इक्वल टू 24। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें इनको दे दिया मैंने क्या क्या करने का बोलते हैं, किसको क्या रिप्लेस करने का है, दिस पर इन दिस पे यू कैन सॉल्व दे दीजिए बोल इन दैट क्लियर आ गया सबके समझ में, यस टेल मी नाउ। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, यस वेरी गुड, वीडियो अटक रहा क्या, वीडियो अटक रहा क्या, यस हरकत आएगा वीडियो, यस टेल मी नाउ वीडियो व्हिडिओ मध्ये मध्ये अडकायले असं ठीक ओके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा अच्छा हो गया क्वेश्चन नंबर 19 5a-7b = 0 एकदम सिंपल बोलो कैन यू डू दैट सिंपल कर सकते हैं क्वेश्चन बोलो ट्राई कर सकते यस ठीक है चल जाओ फर्स्ट पे मतलब करो कंडीशन क्या होता है वी हैव 2 प्लस आई बी इज इक्वल टू 1 माइनस आई ए प्लस बी आई अपॉन 2 plus ib is equal to 1 minus i. तो क्या लिखा है कि आप देखो show that 5a-7b is equal to 0 दिखाने का कोई बात नहीं, इसके बारे में कैसे करेंगे क्या करो सीधे से इधर लिख जाओ, इधर ले जाने का मकसद क्या है what is the purpose here कि आप ये अगर ये complex number इधर लिखेंगे तो दोनों का multiplication होगा फिर से complex number मिलेगा और ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल रहेंगे,
टू इंटू वन टू माइनस का टू आई माइनस का आई बी माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर इंटू बी ये हमारे पास आ गया ए प्लस थ्री आई. तो ए प्लस थ्री आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कह सकते टू माइनस टू आई माइनस आई बी आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस तो ये होगा माइनस का बी. फर्दर सॉल्व करने से ए प्लस थ्री आई इज इक्वल टू आप देखो यहाँ पे भी तुम कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म लिख सकते टू रियल पार्ट है और माइनस भी रियल पार्ट है. रियल पार्ट एक ब्रैकेट में आई इमेजिनरी है तो इमेजिनरी पार्ट में अगर से हमने क्या कॉमन निकाले प्लस का निकालना पड़ेगा प्लस का आई कॉमन निकाले यहाँ से सिर्फ मतलब आई कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का टू और माइनस का बी. प्लस का आई क्यों कॉमन निकाले हमने क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में प्लस रहता है इसलिए हमने सिर्फ यहाँ से आई कॉमन निकाले. आई कॉमन निकलते यहाँ पे माइनस टू बच गया आई कॉमन निकलते यहाँ पे माइनस टू बच गया. माइनस का आई निकालिए तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल करने के लिए आपने सिर्फ प्लस और ये यहाँ से आई कॉमन निकाला. आप देखो ए प्लस थ्री आई और ये रियल प्लस इमेजिनरी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो गए तो बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला इसका रियल पार्ट 2 माइनस बी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 और इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस 2 माइनस बी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर सॉरी 2 माइनस बी इज इक्वल टू ए ये रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस 2 माइनस बी इज इक्वल टू कितना 3 ऐसे दो इक्वेशन आए. तो अभी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी ए बी की. तो आई वाले ए बी की वैल्यू हम इस पर रखेंगे इक्वेशन आगे से सेटिस्फाइड हो गई तो हमारा आंसर क्या है बराबर एकदम सिंपल हो तो दोनों को सॉल्व कर सकते हो है ना. यहाँ से फ्रॉम बुक वो से तुमको बी की वैल्यू मिलती माइनस का बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस का बी इज इक्वल टू 5 बी इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 5 ठीक है. बी माइनस का 5 पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1 तो क्या मिलेगा ए कितना मिलेगा माइनस 5 इज इक्वल टू ए ए इज इक्वल टू आ गया ठीक है ए इज इक्वल टू 7 बी इज इक्वल टू टू माइनस टू आई माइनस का आई बी प्लस आई स्क्वायर इंटू बी ठीक है माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर इंटू बी ये होगा माइनस का बी. तो रियल पार्ट टू माइनस बी प्लस का आई कॉमन निकाला कितना माइनस टू माइनस बी राइट. यहाँ तक वन माइनस आई के क्वेश्चन यस व्हाट इज प्रॉब्लम हियर यस यस टेल मी नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ए बराबर बी की वैल्यू बोलो कितनी है चेक करो बी की वैल्यू प्लस फाइव आना चाहिए तो ये अगर से प्लस फाइव आया तो आंसर बराबर आएगा 7+35 माइनस 7+35 दैट इज इक्वल टू 0 यस. व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर 2 प्लस आई बी आए तो 2 माइनस आई बी कट लगा चमत्कार चमत्कार ही वावा जाएगा 2 प्लस आई बी तो 2 माइनस 2 आई 2 माइनस 2 आई प्लस आई बी then afterward plus minus minus right 2 plus ib hai na me 2 minus ib itla so ab dekha aise nahi aata 2 minute anit karte hain tala 2 ne ka 2 minus sa 2i plus sa ib plus minus minus i square into b koi baat nahi ye kitna mila minus ka plus ka ib aur ye i square ki value kitni minus 1 to minus minus become plus तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आएगा 2 प्लस बी ठीक है ये आएगा 2 प्लस बी. यहाँ से प्लस का आई कॉमन निकालने से क्या मिलेगा प्लस का आई से कॉमन निकालने से क्या बेटा बी माइनस 2
कोई बात नहीं, जब भी समझ आता कहाँ पे गलती हुई, दो मिनट में आपने समझ में आता है यहाँ पे। और ये कितना मिला, b माइनस टू इज इक्वल टू कितना, थ्री। वेरी गुड, फ्रॉम टू b माइनस टू इज इक्वल टू थ्री, सो b इज इक्वल टू थ्री प्लस टू, b इज इक्वल टू कितना आ गया, फाइव। और a में रखा यहाँ पे, तो टू प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन, a इज इक्वल टू खत्म। देयरफॉर इसका एलसीएम उठाओ, फाइव ए माइनस सेवन बी, पांच गुणिले ए, ए की तैयार सात, माइनस सात गुणिले पांच, थर्टी फाइव माइनस इज दैट क्लियर। कहां पे गलती हुई, यहां पे दो मिनट में समझ आया आपने, क्योंकि यहां पे बी की वैल्यू तो डिफरेंट आ रही थी और ए की वैल्यू रखने के बाद क्या हो रहा था, यहां पे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं थी, राइट है। सो वी कैन से दैट क्लियर, ठीक है। सो दिस वन बोलो, आया समझ में, यस इज दैट क्लियर, बोलो। आपका थोड़ा इथे टू प्लस आई बी होता, आपण टू मायनस आई, आपण लागेल लक्षात येतं इथे की ए ची व्हॅल्यू बी ची व्हॅल्यू जर ठेवली तर इक्वेशन सॅटिस्फाईड नव्हती, तर दोन मिनिटात कळालं काहीतरी अडचण झालेली, इथे आपण टू प्लस आई बी च्या जागी टू मायनस आई बी घेतो, ठीक आहे। कळला प्रश्न सगळ्यांना, व्यवस्थित तयार असताना थोडं काही विचारायचं त्याच्यामध्ये, मला वाटत नाही सगळं व्यवस्थित सांगितलेलं आहे, राईट आहे ना, आगे समजू शकते। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यस टेल मी नाउ, यस वेरी गुड, ओके। सो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये काय, क्वेश्चन नंबर 19 था ये। अब क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारे को ये सेम टाइप से तुम क्वेश्चन नंबर 21 कर सकते हो, देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 21 तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए देता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर सकते हो। 20वां क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, 21 करो, 21 में क्या फर्क है यहाँ पे, इफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू, इफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई, ऐसा अगर से तो तुमको प्रूव करने का है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आएगा सॉल्व करने, यस टेल मी नो, यस टेल मी, करता ही कर सके ना, यस वेरी गुड, यस यस क्या बात है, बढ़िया वेरी गुड। तर एक तो मग हा क्वेश्चन तुम्हाला होमवर्क साठी सेम, एक तो तुम इसको इधर लेके जाओ या फिर सिंपल एक काम करो, इसके लिए शॉर्टकट होता था, इसका क्या करो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में ना, तो वन प्लस आई से मल्टीप्लाई वन प्लस आई से डिवाइड, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बोलो कर सकते हैं, भी दिया तुम्हारे लिए, तो ये क्वेश्चन करके देखो, रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, ओके।